थी बुखारा शहर को राजा, वो ऊपर से कई सरों नीचे उतरे के आयो, पर कोई बात होके लागी कि मारो इतो महंगो राजमहल जिके मुसाफिर खानो, पागल है ये आदमी, जरूर कहीं ना कहीं तो बात है, पागल तो नहीं हो सकता है। नीचे उतरे पूछो कि यार ऐसी बात है, एक टप्पी में बात खत्म हुई ये साहब। अन अपना जैसा हो अखी जिंदगी मंदिर में माथो रगड़िया करे तो भी कहीं भलो ही नहीं होवे, नखी जिंदगी गुरु महाराज ना कने जाया करे तो भी कहीं नहीं होवे। एक बाप अपने बेटे से कहता था, 80 साल के बुजुर्ग छोरो हुई 60 साल को, उके कहता था कि तू कहीं करिया करे दन भर दुकान पे दन भर पैसा कमाने में लागियो, अरे कदी तो मंदिर चली जाया कर। वो बेटो हमेशा टाल देता, अरे पापा पिताजी चलियो जमुआ में मंदिर, जमुआ में जरूर जमुआ मंदिर, मरने से पहला मंदिर जमुआ और एक ही बार जमुआ, ये रोज रोज को रगड़ो मार से नहीं होए, एक ही बार जमुआ और एक ही बार पुकार लूंगा, अगर मारी पुकार सच्ची होगी तो परमात्मा मारो कल्याण कर देगा, नहीं तो झूठ मूठ को कभी रोज रोज भी जाया करूं तो कहीं हो उससे, एक ही बार पुकारू बार बार नहीं, कि रोज सवेरे घड़ी का कांटा से 8 बजी गया फटाफट नहाऊ दो, मन है ही नहीं, ठंड बाजी रही है फिर भी जबरदस्ती नहाना पड़े, मंदिर जाना पड़ेगा यार, मां नेम है, नेम नहीं टूटी है, प्रेम में नेम का काम थोड़ी है, पूर्ण प्रेम प्रभु से हुआ तो नेम का बंधन छूट गया, नेम की जरूरत ही नहीं है। अपन ने सुना ना भागवत कथा में विदुर जी की पत्नी, नेम होता तो होश में रहती कि अभी कृष्ण आई गया द्वार पे तो पहला कपड़ा फेर लूं, फिर सजी धजी लूं, फिर आदमी के पतिदेव को बुलाऊं कि आओ घरे मेहमान आया है, फिर इनका स्वरूप भोजन पानी की व्यवस्था करा, नहाती थी तो असी घसी नहाते न कपड़ा ही हेड़िया न ऐसे ही आएगी, बायर ने कन्हैया को बैठे लियो सामने, भूख लागी काकी भोजन करे दो, तो केड़ा पड़िया था तो केड़ा हेड़ी हेड़ी न खवाड़े, तो छिलको छिलको मुंडा में दे कन्हैया के, वह गिरी गिरी सब नीचे फेंकी दी, कहाँ प्रेम कहाँ नियम, कोई नियम ये नियम जो करे भी सब झूठा लोग हैं, संतों की माने हमारे ऋषि मुनियों की माने, क्योंकि प्रेम में कोई नियम बंधन काम नहीं करता। बेटे ने कह दिया एक बार जो हुआ बस, पिताजी रोज मंदिर जाए, उबड़ी का टेके टेके बुखार आई जाए जब भी जाए, नहीं मंदिर जानो पड़ेगा, एक दिन तो रीस में ही गया, तू जाए कि नहीं जाए मंदिर, बोले जो मान लो अब तम किरिया है तो आज चली जाऊं जदे मंदिर में, काम काज सब धर दिए, घुटी कलम कागज सब धर दियो और चप्पल जूता निकाल दिया और बस चल दियो, ऐसे ही कोई पूजा की थाली नहीं कोई कही नहीं, मंदिर गयो तो सवेर को गयो जी का दन का 2 बजी गया, घर नहीं आयो पाछो। बाप ने सोचो यार नाना ने बड़ी देर कर दी, धीरे धीरे कुबड़ी का टेके गया, वहीं से लोग ना आ रहा था, पूछो कि यार बोलो मारे नाना के देखियो कोई मंदिर गयो तो, बोलियो हाँ बाप पूरे जीवन में कभी मंदिर नहीं आयो पट्ठो, पर आज इस मंदिर आयो थो, और मंदिर में जाते ही उन्हें एक ही बार प्रभु के दिल से पुकारी और वहीं गिर पड़ी हो, तो वहीं गिर पड़ी हो, वहीं परमात्मा के श्री चरणों में प्राण छोड़ दिया, राम दुआरे जो मरे जाका पूर्ण भाग। संत महापुरुष तो ये कहते हैं कि जिना बिस्तर पे अपन पैदा हुआ नहीं, उना बिस्तर पे अपना पिताजी पैदा हुआ, उनाज बिस्तर पे उनका दादाजी पैदा हुआ, उनाज घर में एक में, हमसे घर नहीं बदला यो, हम कई मंदिर की बात करा, और यह सच्चाई भी है, झूठ मूठ को 1000 बार भगवान को नाम लेने से कहीं हुई, सच्चा हृदय से अगर एक ही बार ले लो तो 24 घंटा की पूर्ति हो जाया करे। लेकिन इंसान कहाँ है, अपन तो सब बेईमान लोग है, अपन दुनिया का हिसाब से चला, हिसाब किताब लगाई के माला हाथ में लेके अपन गिनती करा कि 108 बार हुई कि नहीं हुई, जबकि माला का तो काम ही नहीं है। एकनाथ जी महाराज हुए संत, एकनाथ जी इतिहास में नाम है जिनका, संत एकनाथ जी हुए रामेश्वरम में से जल गंगोत्री से जल भरा कंधे पर और रामेश्वरम में जल चढ़ाने आ रहे, बोल बम बोल बम बोल बम, उनके साथ सैकड़ों लोग और भी चले जा रहे हैं, बीच में देखा कि बीच मार्ग में रास्ते के ऊपर एक गधा मर रहा है, ऐसा पांव तड़फड़ाए ऐसा पांव तड़फड़ाए कि पांव तड़फड़ाए तड़फड़ाए कि उनने नीचे जमीन में घारना पटकी दिया, पर प्राण नहीं निकले होगा। आज पड़ोस से सब लोग निकल रिया कावड़ कंधा पे है, जय बम जय भोलेनाथ जय शिव शंकर, ने निकलता जे रिया देखता हुआ दूर दूर से निकले होकर देखी देगी,
एकनाथ जी महाराज की यात्रा भी कावड़ वहां से निकली। एकनाथ जी महाराज ने एक नजर उन्हें गधा का ऊपर डाली और पट याद आई उनके, उनका गुरु ने की थी वो, इतना दिन से याद नहीं आई लेकिन आज याद आएगी जब गधों सामने तड़प तो दिखे कि एकनाथ तू यो कहीं कर रही हो। सब घट मोरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर, कहां है परमात्मा, कहां जी रे तू रामेश्वरम में जी रही हो। अरे पागल जीव मात्र में कंकर, कंकर में वो शंकर है और तू यहां से जड़ भरी के वहां जी रही हो। अरे पगला थार में थोड़ी भी बुद्धि होए, कदिन थोड़ो भी थने भगवान से प्रेम करे होए तो खोल दे को ढक्कन ना गधा के पिलाई दे, भीतर से आवाज आई, उतारी कावड़ दो ढक्कन खोलिया और गधा का मुंह पे पानी कुड़ दियो। साहब पूरी दुनिया का लोग निकल गया लेकिन तमाशो देखे के कि यो पागल हुई, यो इतना किलोमीटर से पानी भरी के लाओ, गदड़ा के पै दियो, इन्हें देखो तो सही। आप निकल गया साहब सब, और उसी वक्त यो सिद्ध हुई, यो आकाशवाणी हुई कि धन्य है एकनाथ, तूने भक्ति के आज पूर्ण कर दी। सुख दिया से ही सुख मिले महाराज, जो संत यो भक्ति को पहलो नियम है, सुख दिया से सुख मिले, दुख दिया से दुख मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों की बदी देख ले तू, इसको दुनिया मत समझ, ये भव सागर की मझधार है, तू औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। नामदेव जी की कथा हमने सुनी होगी, वो नामदेव जी बरसात का टाइम बेचारे वो संत हैं, जैसे तैसे टिक्कड़ बनाया, बाटी वाटी बड़ी होगी, कहीं ने लिकाली लुकाली के धूल साफ राखोड़ी साफ करी के रखी, उनने एक कुत्तो आयो तो कुत्तो उन्हीं बाटी के रोटी के मुंह में दबा तो भागवन लागो। नामदेव जी की नजर पड़ी कि एक तो गरम गरम बाटी और वह भी सूखी खट, तो घी को कटोरो, घी को टिपन हाथ में, लेकिन पछाड़े पछाड़े कुत्ता का दौड़ रिया, रुक जाओ सूखी कैसे खाओगे भगवान, देखो तो सही आप उनका दृष्टिकोण देखो, कुत्ता में भगवान, अन अपन अपन अभी हाल मंदिर जाई के आया, अभी हाल अपन पूजा करी के आया है, माथा पे टिक्कोई लगी हुए, अंगड़िया ना से कंकु अभी धुलियो ही नहीं है, फूल की खुशबू अपना सही रही है, अगरबत्ती की खुशबू अपना सही रही है, और अपन भोजन करने बैठे ना, अगर कुत्रो सामने आई जाए तो रोटी छोड़ दांगा, थाली धके दांगा, पहला चोरचोरी कांगे ना, कुत्ता भगा दरवाजे बंद कर, पूजा करी के आया। और सतगुरु कबीर कहते हैं, हाथी में हाथी बढ़ जावे, चीटी में है छोटो तू, होई महावत सिर पे बैठे और आकन वालो तू को तू, चोरों के संग चोरी करता रे, बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वालो तू को तू, दाता के संग दाता बन जाए, भिकारी में भेड़ो तू, अरे मंगतो होई के मांगण लागे, देने वालो भी तू को तू, जल थल जीव में तू ही विराजे, जहां देखूंगा तू को तू, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु भी मिलिया है तू को तू, नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे तू, बाड़क हुई के रोवण लागन, राखण वालों भी तू को तू, क्या बात है। अरे धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, अरे धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, निराकार निर्बंधन दाता जन्म मरण नहीं डरता है, अरे निराकार तू होकर स्वामी सबका पालन करता है, निराकार निर्बंधन दाता जन्म मरण नहीं डरता है,
सत्ता का खेल निराला बिरला में रम पाता है जो दया भई निज तेरी तू वा को दर्श दिखाता है। अरे तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला में रम पाता है जिन पर कृपा भई निज तेरी तू वा को दर्श दिखाता है। अरे जिन पर कृपा भई निज तेरी तू वा को दर्श दिखाता है। अरे धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। अरे ऋषि मुनि और संत महात्मा इस दिन ध्यान लगाता है चार खान चौरासी के माही तू ही नजर एक आता है। अरे ऋषि मुनि और संत महात्मा इस दिन ध्यान लगाता है चार खान चौरासी के माही नजर एक आता है। अरे धन्य तेरी करतार धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। हरि पते पते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है थकित भया मन भूति मेरी जीवादास गुण गाता है। हरि पते पते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है थकित भया मन भूति मेरी जीवादास गुण गाता है थकित भया मन बुद्धि मेरी जीवादास गुण गाता है। अरे धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है।
धन्य तेरी करदार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करदार कला का